हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एचआरए पे क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था सेक्शन 23, 24 और 25, है नहीं। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 26। क्या दिया हुआ है उसमें। उसमें दिया हुआ है रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कहाँ दिया हुआ है, चैप्टर 3 में और सेक्शन 26 में। एक ही सेक्शन है बस उसका, ठीक है, एक ही में सब कुछ उन्होंने बता दिया है। तो रेटिफिकेशन क्या कहते हैं। रेटिफिकेशन का लिटरल मीनिंग होता है टू करेक्ट समथिंग, ठीक है, टू करेक्ट समथिंग मतलब कुछ गलत हो गया है। यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रूमेंट में कुछ गलत हो गया, उसको ठीक करना है, ठीक है। क्या हुआ अब इसमें, रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की तब जरूरत पड़ती है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है या किस कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक के चलते कोई गलती हो जाए, फिर वो पार्टी कोर्ट में जाएं कि सर इसको ठीक कर दीजिए, माय लॉर्ड इसको ठीक कर दीजिए, जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल हो सके, है कि नहीं। चलिए तो समझते हैं उसे प्रॉब्लम से। क्या है भाई, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। क्या कॉन्ट्रैक्ट में था, ए के पास दो वाइट हाउस मतलब दो प्रॉपर्टी थी, ए के पास दो प्रॉपर्टी थी, एक थी हावड़ा में और एक थी कोलकाता में। तो जो कोलकाता में जो थी उसका नाम हम लोग व्हाइट हाउस रख लेते हैं। क्या नाम रख लेते हैं, व्हाइट हाउस। अब आप समझिए, ठीक है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या था कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं तुम्हें अपनी व्हाइट हाउस बेचना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट में लिखा कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इसमें क्या लिख दिया इन्होंने लिख दिया व्हाइट हाउस इन हावड़ा। एक्चुअली में व्हाइट हाउस कहाँ है बताइए, कोलकाता में। लेकिन इन्होंने इंस्ट्रूमेंट में क्या लिख दिया कि व्हाइट हाउस इन हावड़ा, कि मैं तुम्हें अपना व्हाइट हाउस बेचना चाहता हूँ जो कि हावड़ा में है। लेकिन व्हाइट हाउस एक्चुअली में कहाँ है, यस, कोलकाता में। तो ए ने ऐसा क्यों किया, या तो वो फ्रॉड करना चाहता है बी के साथ, ठीक है, या म्यूचुअल मिस्टेक भी हो सकती है, म्यूचुअल मिस्टेक। तो उन्होंने ही नहीं ध्यान दिया ये बात, ठीक है। क्या हो गया, ए ने ऐसा क्यों किया, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग में या कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज क्यों लिखी, क्योंकि या तो वो बी के साथ फ्रॉड करना चाहता है या म्यूचुअल मिस्टेक हो गई है। तो इससे क्या हुआ बताइए, इससे ये हुआ कि इंस्ट्रूमेंट जो था इंस्ट्रूमेंट डज नॉट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन। इससे क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट रियल इंटेंशन नहीं बता पा रहा है कि भाई ये करना क्या चाहते हैं, इंटेंशन। अभी रुकिए, अभी आप फिर से समझाते हैं। क्या हुआ, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता कि मैं अपना व्हाइट हाउस बेचना चाहता हूँ, ठीक है। जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, जब कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग में जब इन्होंने लिखा, तो ये लिख गए व्हाइट हाउस इन हावड़ा, लेकिन एक्चुअली में व्हाइट हाउस कहाँ है, कोलकाता में है। तो ए ने ऐसा क्यों किया होगा, या तो वो उसके साथ फ्रॉड करना चाहता है, ठीक है, या तो फ्रॉड करना चाहता है या म्यूचुअल मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। अगर फ्रॉड करना चाहता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो फ्रॉड के केस में वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड अगर कोई करता है तो क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है ना। और म्यूचुअल मिस्टेक में वॉइड। ध्यान रखिएगा ये भी, अभी शायद काम आई है। चलिए तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन। इंस्ट्रूमेंट में पता नहीं चल पा रहा है कि रियल इंटेंशन क्या है। अब क्या करें, देन क्या है भाई, अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं आप, या तो एदर पार्टी
हैदर पार्टी और उनके एहलार, ठीक है, क्या करें, सूट फाइल करें, फाइल सूट फॉर रेटिफिकेशन, की रेटिफिकेशन करो, रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, ठीक करो इसे, कहाँ, कोर्ट में, ठीक है, क्या करें, एदर पार्टी और एलआर इंस्टीट्यूट सूट फॉर रेटिफिकेशन। दूसरी बात क्या है, या तो दोनों पार्टी में से कोई करे या उनके एलआर करे, पहला। दूसरी बात, प्लेंटिफ प्लेंटिफ इन एनी सूट इन विच एनी राइट अराइजिंग, क्लेम इन हिज प्लीडिंग फॉर रेटिफिकेशन। अभी समझाता हूँ, एक मिनट क्या हुआ, रुकिए, अलग अगला भी लिखो, डिपेंडेंट अवेलेबल टू हिम आस्क फॉर रेटिफिकेशन। अभी बता, देखिए क्या हुआ इसमें, यहां तक समझ में आया था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में गलत लिख जाने की वजह से उन्होंने लिख दिया व्हाइट हाउस इन हावड़ा, लेकिन व्हाइट हाउस कहां है, कोलकाता में, ऐसा वो क्यों करेगा, या तो फ्रॉड होगा या म्यूचुअल मिस्टेक होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंस्ट्रूमेंट था वो रियल इंटेंशन नहीं बता पा रहा कि ये लोग क्या करना क्या चाहते हैं, ठीक है, रियल इंटेंशन नहीं बता पा रहा कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। अब क्या हुआ, तो क्या कर सकते हैं, देन आप ये कर सकते हो, इनमें से कोई भी पार्टी, ठीक है, या तो एदर पार्टी ए या बी या इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी जाके केस फाइल करें, किसके लिए, रेटिफिकेशन के लिए, माय लॉर्ड इसको रेटिफाई किया जाए, इस इंस्ट्रूमेंट को रेटिफाई किया जाए, उसको ठीक किया जाए, ठीक है, या प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ के मान लीजिए कि यहाँ पर फ्रॉड है, ठीक है, मान लिया कि यहाँ पर फ्रॉड है, तो फ्रॉड में क्या होगा, प्लेंटिफ क्या करेगा, बी के साथ ही तो फ्रॉड होगा, तो बी क्या करेगा, बी केस फाइल करेगा कि साहब इसको कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल करें, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए केस करेगा, ठीक है, या उसके साथ वो क्लेम कर सकता है कि इसको रेटिफाई करें, ठीक है, मान लीजिए अगर फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड के केस में क्या होगा, फ्रॉड के केस में वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ बी, ठीक है, बी क्यों, क्योंकि उसी के साथ तो फ्रॉड हो रहा है, तो प्लेंटिफ केस फाइल कर सकता है, उसके साथ साथ वो ये भी कह सकता है कि अब भाई इसको रेटिफाई कर दो, ठीक कर दो, तो मेरे साथ फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है, आई बात समझे। अब डिफेंडेंट इन हिज डिफेंस, अगर मान लीजिए प्लेंटिफ ने फ्रॉड का बी ने ए के ऊपर फ्रॉड का केस किया, तो डिफेंडेंट इन डिफेंस में ये कह सकता है कि माय लॉर्ड मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, ये म्यूचुअल मिस्टेक हुई है, ठीक है, म्यूचुअल मिस्टेक हुई है, तो इसलिए आप इसको, इस डॉक्यूमेंट को, इस इंस्ट्रूमेंट को रेटिफाई कर दें, ठीक कर दें, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब क्या होगा, इस तो इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद ये होगा कि कोर्ट में इन हिज डिस्क्रिशन, कोर्ट में इन हिज डिस्क्रिशन अलाउ फॉर रेटिफिकेशन, ठीक है, रेटिफिकेशन के लिए बोल सकता है कि भाई रेटिफाई कर लो, ठीक कर लो उसे, और क्या, लेकिन कोर्ट के बोलने से पहले क्या कोर्ट को करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, बट द रेटिफिकेशन डज नॉट अफेक्ट थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे, ठीक है, देखिए बट विदाउट थर्ड पर्सन को नहीं अफेक्ट करना चाहिए, कैसे भाई, देखिए अब मान लीजिए
ए ने यहाँ पर फ्रॉड करने की वजह से ही गलत लिख दिया हो, ठीक है, तो जब तक बी ने केस फाइल किया तब तक ए ने ये व्हाइट हाउस किसी और को बेच दिया। अब किसी और ने अगर कंसिडरेशन से गुडविल में अगर ये प्रॉपर्टी खरीद ली तो क्या कोर्ट उससे फिर बी को दिलवा देगी वापस? नहीं। तो थर्ड पर्सन को अफेक्ट किए बिना अगर रेटिफिकेशन हो सकता है, मान लीजिए थर्ड पर्सन ने राइट एक्वायर कर लिया वैसे ही जैसे प्रॉपर्टी खरीद ली, तो फिर कोर्ट रेटिफिकेशन के लिए अलाउड कर देगा। कोर्ट कहने का मतलब ये है एक लाइन में, रेटिफिकेशन के लिए कोर्ट तब अलाउड करेगा जब थर्ड पर्सन कहीं से अफेक्ट ना हो, ठीक है, जिसने गुडविल में, ठीक है, गुड फेथ में कोई राइट एक्वायर कर लिया हो, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भाई रेटिफिकेशन, आफ्टर रेटिफिकेशन, अगर रेटिफिकेशन हो गया तो कोर्ट में अलाउ फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ क्रिएट बाय पार्टी, ठीक है। अगर भाई साहब रेटिफिकेशन अलाउड कर दिया, उसे ठीक कर दिया, तो साथ साथ माय लॉर्ड रेटिफिकेशन के लिए भी बोल दो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी बोल दो कि ये हमें कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाए, है कि नहीं है। अब उसके लिए हम कहां अलग से केस करेंगे स्टार्टिंग के सेक्शंस में, ठीक है। अगला नो रिलीफ फॉर रेटिफिकेशन अनलेस क्लेम या प्रेयर बाई पार्टी, जब तक भाई साहब वो पार्टी नहीं मांग रही है कि रेटिफिकेशन कराओ तो कोर्ट कहां से रेटिफिकेशन करा देगी, है कि नहीं। चलिए अब एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं इसका, क्या है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ए के पास दो प्रॉपर्टी थी, एक हावड़ा में और एक कोलकाता में, कोलकाता वाली प्रॉपर्टी का नाम क्या था, व्हाइट हाउस, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग में लिखा तब इन्होंने लिख दिया व्हाइट हाउस इन हावड़ा, क्या लिख दिया, व्हाइट हाउस इन हावड़ा, जबकि व्हाइट हाउस कहाँ है, कोलकाता में। तो ऐसा इन्हें क्यों किया होगा, या तो ये फ्रॉड करना चाहता है या म्यूचुअल मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से गलत लिखने की वजह से क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट डज नॉट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन, इंस्ट्रूमेंट रियल इंटेंशन नहीं बता पा रहा है कि ये करना क्या चाहते हैं, तो अब इसके पास पार्टी के पास क्या ऑप्शन रह जाता है, देन एदर पार्टी और एलआर, या तो दोनों में से कोई पार्टी या उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रेटिफिकेशन के लिए केस करें कि माय लॉर्ड इसको ठीक किया जाए, या प्लेंटिव अगर किसी और चीज के लिए केस कर रहा है, कोई और राइट उसका है, जैसे कि अगर फ्रॉड हुआ है तो फिर वो क्या कर सकता है, फ्रॉड हुआ है तो फिर वो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए जा सकता है। अगर प्लेंटिव ने किसी और राइट में केस किया है उसके साथ साथ वो ये भी क्लेम कर सकता है कि साहब इसको रेटिफाई कर दीजिए, ठीक है, अगर वो नहीं कर रहे हो तो उसको रेटिफाई कर दो जिससे मेरे साथ फ्रॉड ना हो। डिफेंडेंट इन हिज डिफेंस अवेलेबल टू हिम, अगर डिफेंडेंट पास कोई डिफेंस अवेलेबल है उसके साथ साथ वो रेटिफिकेशन भी मांग सकता है। कैसे, मान लीजिए प्लेंटिव ने फ्रॉड का केस किया, डिफेंडेंट का नहीं साहब फ्रॉड नहीं है, तो म्यूचुअल मिस्टेक है, आप इसको डॉक्यूमेंट को ठीक कर दीजिए, हम भेज देंगे उसे, क्या है मेरे पास एक्चुअली में है तो कोलकाता में है, वो गलती से हावड़ा लिख गया, ठीक करिए हम भेजने तैयार है, ठीक है। तो इसके बाद कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ये देखेगी, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में पहली बात तो ध्यान रखिएगा मे लगा हुआ है, जहाँ पे भी मे सेल ये सब हुआ करे वहां पे आपके कान खड़े हो जाए करे तुरंत कि अगर सेल है तो कोर्ट बाउंड है, मे है तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है, ठीक है। तो कोर्ट में इन डिस्कशन क्या करेगा, अलाउ कर सकता है रेटिफिकेशन, लेकिन अलाउ करेगा तो ये ध्यान रखेगा कि कहीं कोई थर्ड पार्टी ने कोई राइट तो एक्वायर नहीं कर लिया है, एडवर्स राइट तो नहीं आ गया है, कहीं इसने फ्रॉड करने की वजह से ही किया हो और सी को बेच के आ गया हो, अब वो कह रहा है कि आप रेटिफाई कर लो हम बी को बेच देंगे, तो ऐसा कोर्ट थोड़े करेगा, कोर्ट को ये ध्यान रखना पड़ेगा कोई थर्ड पार्टी ने तो राइट एक्वायर नहीं कर लिया है इन गुड फेथ,
इन वैल्यू मतलब कंसीडरेशन के साथ, ठीक है। अगर रेटिफिकेशन हो गया तो क्या होगा, आफ्टर रेटिफिकेशन कोर्ट साथ साथ क्या कर सकती है, अगर पार्टी क्लेम करती है, अगर पार्टी प्रे करती है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी डाल देगी कि ठीक भी हो गया है, अब तुम परफॉर्म कर दो जल्दी से, ठीक है। अगला ये बोलता है नो रिलीफ फॉर रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन की रिलीफ नहीं मिलेगी जब तक पार्टी प्रेयर में मांगती नहीं है, ठीक। अगर उसने मान लीजिए केस फाइल किया तब तो उसने प्रेयर में नहीं लिखा, ठीक है, तो बाद में कोर्ट अलाउ भी कर देगी कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कोर्ट कह दे चलो भाई तुम रेटिफाई करके हो, तुम प्लीडिंग में अमेंडमेंट करके ले आओ, ठीक है। अब यही तो सेक्शन 26 है पूरा, ये क्लाउज वन है, 26 का क्लाउज वन, क्लाउज टू, क्लाउज थ्री, क्लाउज फोर, ये ए बी और सी पार्टीज, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि कंपनी लॉ में होता है, ठीक है, कंपनी में होता है, वो नहीं होना चाहिए। अदर देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसमें कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है, इतना और ध्यान रखना, बाकी ये पूरा आपका 26 हो गया। देख लें एक बार, चलिए आप रीड मारिएगा, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। चलिए अगली बार हम लोग पढ़ेंगे सेशन, ठीक, थैंक यू।